नमस्कार व्यूअर्स, हम डॉक्टर निकिता संघोई फ्रॉम डॉक्टर शिल्पा वुमेन्स क्लिनिक कोंडापुर हैदराबाद। आज हम बात करेंगे अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग पे। अब ये अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग क्या है? कुछ तरीके के ब्लीडिंग्स यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 दिन में साइकिल आता है, 4 से 5 दिन तक रहता है, दैट इज़ नॉर्मल ब्लीडिंग। हम बात कर रहे हैं अबनॉर्मल ब्लीडिंग। अब ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग क्या है? अबनॉर्मल ब्लीडिंग वो है जिसमें 28 दिन के बजाय जल्दी से पीरियड्स आना या फिर 28 दिन के ऊपर 35-40 डेज पे पीरियड्स आना या कम तरीके का अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होना ड्यूरिंग पीरियड्स, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होना ड्यूरिंग पीरियड्स, ऐसे सिम्टम्स को हम अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग कहते हैं। दिस इज समथिंग अबनॉर्मल देन नॉर्मल ब्लीडिंग, सो दैट इज़ अबनॉर्मल। ऐसा कुछ है तो आपको जल्द से जल्द अपने गायनकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट। बिटवीन टू साइकिल्स भी एक पीरियड आ सकता है, दैट इज़ अगेन कॉल्ड अबनॉर्मल ब्लीडिंग। मेनोपॉज के बाद भी कुछ लेडीज़ को दे फील दे एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ ब्लीडिंग। मेनोपॉज होने के बाद दे आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ ब्लीडिंग, उसे भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। सो अब ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग किन किन वजह से हो सकता है? सो ओव्यूलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, आजकल यंग जनरेशन्स में ड्यू टू हैविंग लैक ऑफ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जंक फूड खाना, हेल्दी हैबिट्स ना अपनाना, बैलेंस डाइट नहीं खाना, उसकी वजह से मेनी गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम PCOD थायरॉयडिज्म एट वेरी अर्ली एज, एट द एज ऑफ 20-25, अर्ली यंग एज में, अर्ली 20s में, लेट 20s में उन्हें PCOD और थायरॉयड हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता एंड उसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। सो दोज इरेगुलर पीरियड्स आर अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग। और फाइब्रॉइड्स या पॉलिप होने के कारण लेट 30s अर्ली 40s में जनरली ये फाइब्रॉइड्स और पॉलिप देखे जाते हैं, इनकी वजह से भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। कुछ तरीके के प्रेगनेंसीज जैसे अर्ली प्रेगनेंसीज में अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाना, मिसकैरेजेस में हैवी ब्लीडिंग होना, या किसी तरीके के डिवाइसेस अगर आपने इंसर्ट कराए हो, कॉपर टी है, मिरेना है, इन डिवाइसेस की वजह से भी ड्यू टू यूट्रस इरिटेशन ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और जैसे कि कैंसर, वी आर अननोन अबाउट कैंसर, पेशेंट इज हैविंग कैंसर बट शी इज़ हैविंग ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग, काफ़ी समय से ब्लीडिंग चलता आ रहा है और पेशेंट को कैंसर है, वी डोंट नो, सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है टू रूल आउट कि कैंसर है नहीं है। ऐसे स्टेज में जनरली इन सारे सिम्टम्स के बाद आप कैसे जान सकते हैं कि आपको अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है एंड किस वजह से हो रहा है? सो सोनोग्राफी से आप पता लगा सकते हैं फाइब्रॉइड है या पॉलिप है या अंदर यूट्रस का जो लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग, वो काफ़ी थिक है, क्यों है, हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, PCOD है क्या। थायरॉयड टेस्टिंग से पता चलता है ड्यू टू थायरॉयड पेशेंट को ये इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यू कैन कम अप टू द कंक्लूजन। सोनोग्राफी के बाद अगर हैवी ब्लीडिंग है, लोकल इन्फेक्शंस है, पेल्विक एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है लोकल इन्फेक्शंस हुआ है पेशेंट को वजाइनली या उससे ऊपर, जिसके बाद हम पैप्समियर लेके भी जांच कर सकते हैं टू रूल आउट द कैंसर। कुछ कंडीशंस में हम बायोप्सी भी लेते हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर रूल आउट करने के लिए। आफ्टर पैप्समियर अगर हमें कुछ कन्फर्मेशन आते हैं कि पेशेंट को कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उसके बाद हम बायोप्सी के लिए भी भेजते हैं कुछ टुकड़ा जांच के लिए निकाल के सर्विक्स का भेजते हैं टू रूल आउट द कन्फर्मेशन ऑफ कैंसर। सो दिस वॉज द बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग। सो दैट वॉज माई टाइम विद दिस, थैंक यू। आई होप आई हैव मेट योर रिक्वायरमेंट्स विद अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग। For such any other doubts, you can come and contact us with Dr. Shilpa Women's Clinic, Kondapur, Hyderabad. Thank you.